Mount Everest. माउंट एवरेस्ट दुनिया में सबसे लंबा और विशाल पर्वत है, जो तिब्बत की सीमा के निकट हिमालय में स्थित है। ये 60 लाख वर्ष पहले बना था, जब लॉरेशिया का महाद्वीप टूट गया और भारत एशिया की उत्तर दिशा में बढ़ते हुए उसके साथ जा टकराया। पृथ्वी के भूपटल की दो प्लेटों के बीच का समुद्र तल टूट गया और भारत के उत्तरी किनारे पर फैल गया। इस तरह हिमालय और माउंट एवरेस्ट बने। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,035 फीट है और प्रत्येक साल 1 से 3 इंच बढ़ती है। माउंट एवरेस्ट का नाम अंग्रेजों के महासचिव सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से रखा गया है, जिन्होंने सबसे पहले उसकी चोटी की सही स्थिति का पता लगाने की कोशिश की थी। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर औसत तापमान ज्यादातर -100 डिग्री तक होता है। सिर्फ शून्य से कम तापमान ही नहीं, पर उसकी ऊंचाई और चोटी पर ऑक्सीजन की कमी एवं बढ़ते हुए हवा के दबाव के कारण पर्वतारोहियों के लिए उस पर चढ़ना आसान नहीं है। यहाँ की प्रतिकूल आबोहवा के कारण वनस्पति और पशु बहुत ही दुर्गम है। यहाँ पक्षियों की कुछ प्रजातियां जैसे पट्टीदार सिर वाला हंस और लाल पैरों वाला कौवा देखे जा सकते हैं। वे पहले पर्वतारोही जो 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे, वे थे न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नॉर्गे। माउंट एवरेस्ट का नाम नेपालियों द्वारा सागर माथा रखा गया था, जिसका मतलब आकाश की देवी है, और तिब्बतियों द्वारा चोमो लंगमा रखा गया था, जिसका मतलब ब्रह्मांड की देवी है। तिब्बत और नेपाल के पहाड़ी इलाकों के आसपास के लोग माउंट एवरेस्ट को देवी के रूप में पूजते हैं और उनके पास पहाड़ों को पूजने की बहुत सारी रस्में व रिवाज हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया के 7 प्राकृतिक अजूबों में से एक है और पर्वतारोहियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। यहां 118 मील प्रति घंटे की चौंका देने वाली गति से हवा चलती है और इतने तीव्र वेग के कारण इसका उपनाम जेट स्ट्रीम रखा गया है। उस क्षेत्र की सभी नदियों के लिए पहाड़ की पिघलती बर्फ एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हिमालय के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए ये एक आवश्यक कारण है। माउंट एवरेस्ट विभिन्न तरह के पत्थर जैसे कि शेल, चूना पत्थर, संगमरमर इत्यादि से बना हुआ है। उसकी चोटी साल भर गहरी बर्फ से आच्छादित रहती है। माउंट एवरेस्ट की विशालता व ऊंचाई के कारण इसे विश्व का मुकुट भी कहा जाता है। इस पहाड़ पर बहुत से बर्फ के तूफान आते रहते हैं। अब तक 400 लोग इस पर पहुंच पाए हैं, लेकिन यहां के पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए नेपाली सरकार ने पहाड़ पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पर्वतारोहियों के अनुसार यहां प्रवर्धन करने के लिए
प्रत्येक स्तर पर 4 शिविर हैं। ये कहा जाता है कि मूल शिविर से पहले शिविर तक की यात्रा बहुत कठिन है, क्योंकि वो विस्तार संकरा और बर्फीला है। कुशांग शेरपा ही एक ऐसे पर्वतारोही हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चारों दिशाओं से चढ़ चुके हैं। अब वे हिमालय की पर्वतारोहण संस्था में प्रशिक्षक हैं। 16 मई 1975 में माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला जापानी पर्वतारोही जुनको टॉबी चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। पहले के दिनों में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कठोर शारीरिक प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती थी। ऑक्सीजन मास्क के उपयोग से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कम चुनौतीपूर्ण हो गई है। ।1922 में पहली बार थोड़े पर्वतारोही बोतल बंद ऑक्सीजन के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुए थे। सच में इस प्राकृतिक अजूबे ने अपने संपूर्ण सामर्थ्य और शक्ति से हमें रहस्य में रखा है। ये हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, साथ ही साथ भूवैज्ञानिक और ऐतिहासिक अखंडता का एक भाग है।